सो हे गैस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस गोलू बुक। सो गैस, जैसे कि देख पा रहे हो, अभी सुबह सुबह यहाँ पास फोन सामने रखा हुआ मेरा, ये देखो। सुबह सुबह बज रहे हैं अभी 7:28। सो अभी अपना चेंज हो गया, बाकी सामने हाथी अपना खड़ा हुआ है। सो अभी बाहर वो देखो, बाहर ट्रैक्टर है ना, उधर ही अपना चेंज होगा, ऑयल फिल्टर वगैरह, इंजन ऑयल, बाकी आगे का काम होगा। वहाँ जहाँ कल करवाए थे अपन ना, वहाँ शाम को लेके आ गए थे, लेकिन लेट होने के कारण इसलिए रात को चेंज नहीं हुआ। अभी चेंज होगा अपना ऑयल फिल्टर वगैरह। सो चलो आपको दिखाते हैं ऑयल फिल्टर कैसे चेंज होगा। बाकी अपने ड्राइवर साहब हैं, अभी इनकी कटाई लगी है तो अभी ती आएंगे नहीं, बाद में आने वाले, पर ऑयल चेंज करना। तगाड़ी ए छोटा ढोंगू, वो तगाड़ी लेके आ जा। हाँ यही वाली, देखे छोटे छोटे बच्चे कितना काम करते हैं। तो ये अपना ट्रैक्टर पावर टेक। सबसे पहले आपको ये नट खोलना है एक, ये इसको खोलोगे पूरी आइल बाहर, उसके बाद फिर से ये नट लगाना है, फिल्टर चेंज करना है। ये वाला ऑयल फिल्टर हुआ, इंजन ऑयल फिल्टर, ये चेंज होगा, प्लस ये अपना दो डीजल फिल्टर, ये भी चेंज होंगे, ठीक। सो सबसे पहले अपना ये देखो, ऑयल निकल रहा, ये पुराना ऑयल और ये अभी नया। ये अपना फिल्टर पड़ा 250 रुपये में, इसमें 259 रुपये एम आर पी, बट 250 रुपये में ये अपना फिल्टर दो, ये वो ऑयल फिल्टर, ये देख बराबर ना, ये हो गया ऑयल फिल्टर, ये दो डीजल फिल्टर, और ये अपना गल्फ कंपनी का ऑयल, जो कि अपने को ये 7.5 लीटर का है। तो इसमें एम आर पी भी दिखा देते हैं आप लोग को, किधर एम आर पी नहीं डाला हुआ यहाँ बस, बट ये हमें पड़ा है 1950 रुपये में, 7.5 लीटर का। सो अपनी ऑयल निकल जाए, उसके बाद ये फिल्टर भी निकलेंगे, वो दोनों, ये भी फिल्टर वो भी फिल्टर। ये इसमें ऑयल डालना पड़ेगा पहले, इस वाले में यही ऑयल थोड़ा सा डालना पड़ता है। जब आप नया फिल्टर लगाओ तो पहले ऑयल थोड़ा सा डाल के दो, फिर उसके बाद लगा दो। तो चलो अभी आगे का दिखाते हैं, जो भी है। सबसे पहले अपना ऑयल निकल जाए, और उसके बाद ऑयल यहाँ से निकलेगा और जाने वाला इधर से, यहाँ से, बराबर ना। सो ऑयल निकल जाए, ये सारा कुछ, उसके बाद फिर ये अपना गेज रहा, इससे चेक हो जाएगा, मिनिमम यहाँ इधर है, हमें 100 चाहिए, ठीक। बाकी आप चलाते हैं तो आपको पता भी होगा। सो ये निकल जाए, उसके बाद फिर दिखाते हैं। अभी धुलवो कर ना, पानी है ना, यही सुबह हक हक कर रहा ट्रैक्टर, क्योंकि पानी है, ये नीचे है ना, वो इसीलिए ट्रैक्टर ये जितना अंदर है ना, ये पानी है, इसीलिए जब स्टार्ट करते थे अपन तो ये टाइम में बनाता था। और ये देखो फिल्टर पूरे चोक हो गए, देख रहे हो कैसे दबे हैं, देखा दे पानी आपको, ये देखो, ये देखो, ये पूरा पानी है, दिखा दे, ये देख रहे हो, ये पानी, और ये फिल्टर पूरा एकदम से जाम हो गए हैं। सो अभी नया फिल्टर भी लग जाएगा, ये देखो इसमें कितनी कचड़ा, देख पा रहे हो ना ये। सोच लो अभी इसको फटाफट साफ करते हैं, अब तो नया लगेगा, ये पूरे एकदम से देखो कैसे दब गए, खत्म, टाटा बाय, पूरा लेव में चला है ना, इसकी वजह से ये खत्म।
आउ डाला, आउ यही के छान के डाला, साफ हो जाए। बहुत कचरा है वहूँ माही अंदर। फिल्टर खोल गए ऐसे, वो भी फिल्टर खोल के निकाल देना है बाहर और नया वाला डालना है। बाकी अभी ये सब फिट कर देना है, बस इसको जब फिट करेंगे अपना ना नया वाला तो यार निकालना पड़ता है। थोड़ा सा ढीला रखो, टिक्टर स्टार्ट कर दो यार निकल जाएगा, उसके बाद टाइट कर दो। ये जो नट है ना ये वाले टिक्टर, पहले इसको फिट करने के बाद थोड़ा थोड़ा ढीला रखना है यार निकल जाएगा, फिर टाइट कर दो। वो आपको दिखाएंगे आगे, आप लोग बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहो। सोच लो भाई सफाई हो जाए उसके बाद दिखाते। अभी एक इधर ही है यार क्लिंजर वाला भी निकालना है फिल्टर अपने को, वो वाला भी निकालते हैं फिर दिखाते। इसमें भी मिट्टी पानी है ना, तमाम पानी मिट्टी। ये देखो कितना ज्यादा कचड़ा। ठीक, अब सब कुछ साफ होने के बाद फिर मिलते हैं। बस इसको बस खोलना, ये भी खुल ही जाएगा। बस फिट हो जाता है। पिचकस इधर हो ही ना, वहां हद है हद पैर के पास। ये रहा इसके अंदर भी रबड़ है, नई वाली लगेगी, ये वाली निकलेगी कटी है ना रबड़। फिट, थोड़ा सा ढीली रहेगा, तेल खोलेंगे पंप मारेंगे यार निकलेगा, फिर उसके बाद टाइट कर देंगे। सोच लो फिट हो गया, अभी पंप मारने के बाद दिखाते हैं आप लोग। डालने से पहले हमेशा सबसे पहले ये नट जो जिससे ऑयल निकालते हैं वो वाला पहले लगा दिए है ना, अगर धोखे से निकला रह गया ना तो फिर तो उधर से डालोगे और इधर से बाहर, इसलिए इसको जरूर याद रखना, निकालने के बाद लगाना ही लगाना है। बाकी अपना सारा उधर फिल्टर भी चेंज, नट लगा, बस ये वाला फिल्टर चेंज करना है बस, उसके बाद ऑयल डाल देना, फिर फिट। सर्विस हो गई, ये वाला भी साफ हो गया है, आपको दिखाया कैसे खुला, मिट्टी लगी थी उसको निकाल दिया। ठीक, इसमें भी आधा लीटर ऑयल अलग से लगेगा, आधे एक लीटर,
वो भी डालना पड़ेगा। ये फिल्टर खुल जाए, सबके पास खोलने वाला रहता है, लेकिन मैं तो हाथ ही से खुलूंगा, ये ठोंक पीट के देखो अपना फिल्टर तो खुला, बट छेद करने के बाद खुला। इसके लिए वो जो खोलने वाला एक फिल्टर आता है ना, उसको जरूर आप लोग लेके रखिएगा, 100-150 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। पंखे अभी खुल गए, अगली बार से नहीं होगी ऐसी पंचायत, बार बार होता है इसमें पंचायत फिल्टर खोलने के लिए। ठीक है, वो खुला, इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, जय हो, गिर गया। ठीक, खुल गया वो, इसमें ऑयल डालेंगे फिर इसको लगाएंगे। सो गाइस, जैसे कि अगर आप लोग को ये वीडियो जरा सा भी जानकारी लग लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेगी ताकि आप लोग को भी जानकारी फटाक से मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो चलो अभी देखते हैं आगे का क्या क्या करना है, सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। ऐसा कोई ये लो, ये अपना खुल गया, और इसमें ये इनाम भी मिला गल्फ में, माने 1950 का था ना, तो 75 रुपए ये, खैर ये इनका है, मेरा नहीं है। ये देखो 75 रुपए, ये ठीक तो। बाकी आयल खुल गया, अभी ये आयल इसमें भी और उस फिल्टर में भी और फिर इंजन में भी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। सर्विस आधी से अधिक कंप्लीट, बच्ची अब क्या है, ऑयल डाल देना है बस, फिल्टर लगा देना है, इसको जिधर से खोले थे अपन उधर लगा देना, हो गया सर्विसिंग कंप्लीट। ये गल्फ है, गल्फ ये फिल्टर भर गया अपना फुल, इसमें भी डालेंगे इतने से, देख लगे हाँ लगाए उधर, फिर गिर जाइए रखे रखे से। तो अरे ये खाली नहीं, ओए तो भर लो, सबसे आसान तरीका बस हाँ लाला चलो भाई चलो। ये लग गया अपना, अब इसमें फिल्टर उधर को उधर का, ठीक है समझ गए ना आप लोग, नट लगा है उधर, उधर सब अपन ऑयल डाल देंगे बस, वो जिसमें कटोरे में डाले वो अपना कटोरा इधर फिट कंप्लीट। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे इसका भी आता रहेगा लोग, जरूरी जरूरी जो भी चाहिए आपको आप कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं एक और ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की। बाकी अपना ये भी लग ही रहा है, रबड़ पैकिंग जो है ना वो लग जाए उसमें।
पकड़ी फिट, जो खुलते नहीं दिखा वो सजते दिखेगा, जो सजते नहीं दिखा वो खुलते दिखा, लेकिन दिखा हर एक चीज आपको पूरी तरह से, एक छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी तक की जानकारी दे दी अपन ने। बाकी ये 4 मिनट चल रहा वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, उसको आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि जब हर एक चीज़ छोटी छोटी जानकारी मिलेगी तो वीडियो तो लंबा होगा। सो फिट, बस अभी ऑयल डालना है, इसको लगा देना बंद करके, जाली इसको भी, बस ऑयल डालना है फिर, ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। अब उधर साइड, इधर का तो आप लोग को पता है। हजम डाल दे पहले दूध डब्बा, आराम से जाकर भक्कों में डाल। रहा था डब्बा से डाल दे, बताई बहुत गिर गया। सो गाइस अपनी ऑयल डलवल गई, ये देखो गिज भी मिला है, इतना ही रहा है। हाँ मैं गाभी लाए गुलबट नहीं, ठीक, सर्विस क्लियर। अभी चलेंगे, अब अपना काम है ये वाला क्लियर काम। ये जो नट स्लिप हो गए थे ना, कल गया था ना मार्केट, ये वाला भी अपन लाए, इसको वाशर लाए हैं, ये इतना चाल है ना, इसमें वाशर और ये सारी फार चेंज करना है, प्लस ये नट देखो, ये ऐसे हचर पचर है ना, ये पूरा कटिंग कर करके इसको निकाल दे और नया लगाना है इसमें। हाँ अभी अभी ये चारों को, और ये फार पूरा नौ चेंज। ओके मिलते हैं आगे। अभी इधर अपना कंप्लीट, बस यार निकालना बाकी है। तो यार भी देखो पंप मारोगे यार निकले ढील, हाँ ही थोड़ा थोड़ा, ये वाला टाइट है, हाँ, ये वाला थोड़ा सा टाइट लग रहा है। पंप मारो, इधर से तेल निकलेगा या निकल जाएगा, उसके बाद टाइट कर देना, बस कंप्लीट। अभी तेल भरा तो ही ना, ऐसे समय लग रहा। ये एक निकला ना यार, और थोड़ा अभी ऐसे उसका भी निकलेगा। यार निकाला बहुत जरूरी है, नहीं टिकटे स्टार्ट ना हो। उसका भी निकला, देखो तेल गिर रहा ना। और थोड़ा, ठीक, कंप्लीट। एयर निकल गया, आपको पता चल गया ना कैसे एयर निकाला जाता है। बस अभी एक सेल्फ में स्टार्ट होगा, अगर यार नहीं निकला रहेगा ना तो टिकटे स्टार्ट नहीं होने वाला। तो आप लोग टेंशन मत लेना सर्विस करने के बाद, समझ जाना कि यार अपना बराबर नहीं निकला, ढील करने के बाद फिर से मारो पंप निकलेगा, पहले ये फिल्टर फिर वो फिल्टर। ओके टाटा बाय बाय। ये तो हो गया ना स्टार्ट, अगर अभी फिल्टर नहीं लगा होता ना, माने यार नहीं निकला होता तो स्टार्ट नहीं होता।
लेकिन अपना सब कुछ एकदम फिट पहली बार में। ठीक, गड्डी स्टार्ट। उधर से सूर्य देवता निकल रहे हैं ना, इसलिए बराबर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आपको हर एक पूरी छोटी सी छोटी जानकारी दी है सर्विस में, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, बेल नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तभी। तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा और जो भी है आगे की जानकारी फिर देता ही रहूँगा मैं। ये तो कम्प्लीट ही हो गया। सबसे पहले अपन अब सीट कवर चेंज करना है, वो वाला पुराना वाला निकाल दें अपन, गद्दी लगा देंगे थोड़ा सा। वो पुराने वाले में गद्दी अच्छी थी ना, बाकी ये नया वाला लगाने वाले हैं अभी। इस पर पीला वाला लेके आए है, दोनों है। चलो जो पसंद आएगा कलर वो वाला लगाएंगे। दो कवर है अपने पास, एक बाद के लिए होगा, एक अभी। विशेषा खींचो तो कौन वाला अभी लगाई। कौन सा सही रहेगा, ये वाला पीला वाला? ये वाला लगाई थी अभी। हाँ, ये पीला बेकार, पीला बाद में। ये मैंने एक और डाला पीछे वाला। गद्दी डाल दो, ये गद्दी लग गई। अब इसके ऊपर कवर परफेक्ट लगेगा, मज़ा भी आएगा। चलो लगाते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस फाइनली अपना ये सीट कवर लग गया और ये इतनी फर्स्ट क्लास आई। वो जो गद्दी निकल रही ना, दिखाओ लाला, ये देखो, ये जो खुशका था ना इसके अंदर डाल दिए अपन। उस वाले में पहले वो वाला बहुत सही था लेकिन ख़राब हो गया, लेकिन अब उसका इसमें डाल दिए। बाकी एक कवर अपना बाकी है, अभी जब ये ख़राब हो जाएगा ना उसको लगा दें। अभी हुआ एकदम से परफेक्ट। ओके, तो चलते हैं अभी कल्टीवेटर फंसाते फटाफट निकलते वहाँ, क्योंकि एक आदमी को जुताई भी करना हो पूरे उसका, 2 एकड़ रखा है, 2 बाग करना है। अब समझ जाओ नौका से करेंगे 2 बाग। सो फटाफट उसको फंसाते फिर निकलते हैं। उसमें अभी भी काम है, आपको बताया ना, वो आगे चल के दिखाऊंगा अभी कैसे काम करवाना है जो भी है। सो आप लोग वीडियो पर बस कंटिन्यू बने रहना, और अगर इसका फुल सर्विस का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर डालूंगा इसका फुल सर्विसिंग का वीडियो। बाकी अभी इसको अपना ले लो, ये पता नहीं कौन इसमें माचिस रखा था। इसको अच्छे से रख लाला, चूहा ना काटा यहाँ गद्दी से। ठीक, बाकी फिट चलते हैं, ब्रश करते हैं, अभी तक ब्रश भी नहीं हुआ, फिर निकलते हैं इसको लेकर। चाबी निकाल लें पहले तो। चलो सो गाइस फाइनली अभी निकल रहे हैं, अपना कल्टीवेटर भी लगा दिए थे हम पहले ही, क्योंकि कैमरे में कुछ लगा हुआ है क्या, साफ नहीं आ रहा। पहले चेक करते हैं फिर चालू करते हैं ब्लॉग को। अभी क्लीन हुआ ना। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो अभी अपने कल्टीवेटर भी लगा दिए थे पहले ही, फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा नाश्ता किए और अभी ट्रैक्टर को लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि ये बताया ना ये सारे ये जो नट है ना ये देखो लूज है। ये अभी कल्टीवेटर लग गए ना इसकी वजह से समझ में नहीं, ये देखो कितना ज़्यादा गैप है, ये सब क्लियर करना है। ये देखो इनको सबको क्लियर करना है, ये चारों नट प्लस ये पूरा 9 फार। फिर चलते हैं चेक करेंगे इसको सही चल रहा कि नहीं अपना। ये पहले ऐसे ऐसे गड़ रहा था ना, कभी इधर गड़ जाता था, कभी इस तरफ इधर उठ जाता था, कभी इधर गड़ता था तो इधर उठ जाता था। अभी चेक भी करेंगे, फिर पहले फार लगाएंगे, इसको क्लियर करेंगे, फिर चेक करेंगे। सो चलो, बाकी अपना ये भी एक ख़राब है, इसके लिए अपन वो रखे हुए हैं। सो निकलते हैं फिर दिखाते हैं जो भी सीन हिचकी आ रही भाई। चलो जय माता की। फटाफट अभी अपना ट्रैक्टर चलेगा, बाकी अभी देख सकते हो घर से निकल रहे हैं। न्यूटन बस, चलो चलते हैं। थोड़ा सा ये भी दिक्कत कर रहा है स्टार्ट होने में, देखो ना सबसे पहले हुक हुक किया फिर स्टार्ट हुआ। कल्टीवेटर अपना वो तो चलो निकलते हैं, फिर जो भी है तो आगे दिखाते हैं आप लोग।
सबसे पहले महादेव के दिन के सामने मंदिर है, तो आप लोग महादेव का दर्शन करो, मैं भी करूँगा। और आज का दिन एक और नया दिन, हर हर महादेव। आप लोग को दिखे कि नहीं दिखे मेरे को पता नहीं, बट मेरे को दिखे। तो चलो अभी फटाफट वहीं चलेंगे जहाँ कल अपना ये काम हुआ था बिल्डिंग वाला, और उधर ही इसको पूरा कटिंग करेंगे, और नट कटिंग करने के बाद ही निकलेगा। तो चलो।